How are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson, the 100 dresses part 1. And yesterday we had read that Maddy was thinking about the dresses, and moreover she was thinking about that she should tell Peggy not to tease Wanda. But later on she told the paper, because she thought that कि अगर मैं अगर इसको अभी कहूँगी कि तुम इसको मत तंग करो तो आई कुड बी द नेक्स्ट प्रे, मैं अगला मेरे को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज आई शी वॉज वियरिंग द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ पैगी. तो हम आज आगे पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर. ओके. थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेज ऑल लाइंड अप इन द क्लोज़ेट, Maddy began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Okay, for girls this contest consisted of designing dresses, and for boys of designing motor boats. तो उनका कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें सभी ने ड्रेसेस अलग अलग चीज़ें बनानी थी. बॉयज़ ने तो मोटर बोट्स बनानी थी और गर्ल्स ने ड्रेसेस. ओके, सो राइट वन क्वेश्चन हियर. वट वॉज द कॉम्पिटिशन for the girls and the boys? What was the competition for the boys and the girls, or for the girls and the boys? Okay, write one more question. What was the expectations of everyone for the winning among girls? Why? ये सबको क्या एक्सपेक्ट था कि गर्ल्स में से कौन जीतेगा. ओके, प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. पैगी ड्यू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. तो उनको सबको क्या लगता था कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि वो सबसे अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. मतलब कि वो एज इट फ़ोटो को मतलब कि मैगजीन या न्यूज़पेपर की जो पिक्चर है उसको एज इट बना देती है कि आपको उसकी देख के पहचान आ जाएगी कि वो कौन है. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. ओके, वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, दे वुड नो. ओके, तो उन्होंने ये था कि भी कल को टीचर अनाउंस ही कर देंगे कि कौन है और सबको पता ही चल जाएगा कि कौन विनर है. ओके, सो नाउ राइट वन मोर क्वेश्चन हियर. वेयर डिड they used to wait, where did they used to wait for Maddy? why did they not wait for Wanda? Here write on instead of Maddy write Wanda. Where did they use to wait for Wanda? Why did they not wait for Wanda that day? ठीक है, मतलब कि वो कहाँ पे वेट किया करते थे वांडा का, बट उस दिन उन्होंने वांडा का वेट क्यों नहीं किया. The next day was drizzling. Drizzling means raining, हल्की हल्की बारिश होना. Maddy and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. ठीक है, अम्ब्रेला, पैगी का अम्ब्रेला लेके वो लोग स्कूल जल्दी जल्दी से गए. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. ठीक है, कहाँ पे वेट करते थे वो? कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स. ओके ना, कहाँ पे वेट करते थे? कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट विच वॉज फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल. क्लियर, लेड टू बॉगिंस हाइट. तो वो रास्ता कहाँ को जाता था? बॉगिंस हाइट को जाता था. ठीक है, एनी वे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑफ बींग लेट टूडे बिकॉज टूडे वॉज इम्पॉर्टेंट डे. वट वॉज द इम्पॉर्टेंट डे दैट डे? अनाउंसमेंट ऑफ द विनर. ठीक है, गर्ल्स का कौन सी चीज़ का कंपटीशन था? कंपटीशन ऑफ ड्रेस मेकिंग कंपटीशन. मतलब कि ड्राइंग थी ड्रेस की बनानी थी, ड्रेसेस की, है ना. और बॉयज़ ने किस चीज़ की ड्राइंग बनानी थी? मोटर बोट. ओके, क्लियर.
बॉयज़ की किस चीज़ की थी? मोटर बोट की थी। और गर्ल्स की किस चीज़ की थी? ड्रेसेस की थी। क्लियर? हियर नाउ डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि आज ही वो विनर को अनाउंस करेगी? ओह आई होप सो। द मिनट वी गेट इन सेट मेडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैगी। तो उसने क्या कहा कि तुम ही जीतोगे। होप सो सेट पैगी इगली। उसने कहा मुझे भी यही होप है कि शायद मैं ही जीत जाऊँ। That much is for today. We will continue our lesson tomorrow. Bye, students.